अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल और आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी 11th क्लास कंप्यूटर की पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। ओके, सो आप इसको साथ साथ राइट भी करते जाएं और ये ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है। ओके, सो इसमें मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 एमसीक्यू, 8 में से भी 1 एमसीक्यू, 9 में से भी 1 एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 10 में से भी 1 एमसीक्यू आपके पेपर में आएगा। ओके, सो अब शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। इसका मतलब चैप्टर नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ओके, सो चैप्टर नंबर 5 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 2, चैप्टर नंबर 7 में से भी 2, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2, चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और लास्ट चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 4 एंड 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ओके, सो अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न, तो हमने देख लिया पेपर पेयरिंग स्कीम, देख लेते हैं कि वो क्या होगी। ओके, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है एमसीक्यूज का पेपर में, 15 एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। ओके, और 1 मार्क का एक एमसीक्यू होगा, तो 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और क्वेश्चन नंबर 2 में से जितने भी क्वेश्चन होंगे 9 क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 6 को अटेम्प्ट करना होगा। अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आएंगे, सो पेयरिंग है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 6। इन 4 चैप्टर्स को आपस में कंबाइन करके जो है 9 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। और हम ऊपर अभी देख चुके हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कितने आएंगे, 3 में से कितने आएंगे और 6 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ओके, सो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपने अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा, 9 प्लस 3 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। ओके, सो 2 क्रॉस 6 मींस के 6 को अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क का एक है, सो 6 टू द 12, 12 मार्क्स के आपके क्वेश्चन नंबर 3 के भी कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 3 आएगा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से। क्वेश्चन नंबर 4 है अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस में से इस दफा भी आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 3 की आपके पास चॉइस होगी, 2 क्रॉस 6 मींस के 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 में से आपका क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। ओके, सो उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चंस, आपने 3 को अटेम्प्ट करना होगा 5 में से। सो ये टू द पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पहले ही बता दिया गया है पेयरिंग स्कीम में कि कौन कौन सा चैप्टर में से कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसमें कोई पार्ट नहीं होंगे, ए बी पार्ट, सिंपल क्वेश्चन होगा, 8 मार्क का एक होगा और आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें से चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें से चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 3 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आपने 3 को अटेम्प्ट करना होगा इन 5 में से। ओके, सो अब टोटल मार्क्स हम देख लेते हैं। टोटल मार्क्स होगा वो आपके 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। एमसीक्यूज होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस हमने अभी देखा 12 मार्क्स के 3 पोर्शंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और हर पार्ट के 12 मार्क्स है, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस है 8 मार्क्स का एक है, आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे तो 24। उसके बाद टोटल किया जाए 15 प्लस 36 प्लस 24 इज इक्वल टू 75 मार्क्स के आपका कंप्लीट कंप्यूटर का पेपर होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं पहले ही एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का। ओके, सो उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक आएगा, तो आपने जरूर उस वीडियो लेक्चर को आपने देखना है। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगी। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को अवेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और वीडियो लेक्चर को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।